बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर सिंह लगातार गांव और सोसाइटी में दौरा कर रहे हैं, तो वहीं उनका दावा है कि इस बार बीजेपी बादशाहपुर विधानसभा से एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने कार्यकाल में आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के साथ काम किया, लेकिन इन सभी मुख्यमंत्री में नायब सैनी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है, जो दिन और रात लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और मौके पर समाधान करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र केवल और केवल दिखावे के हैं, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश के विकास और बेहतरी के लिए होता है। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में ही नहीं बल्कि उनके कैबिनेट मंत्री होते हुए प्रदेश में कई बड़े ऐसे कार्य किए गए जिससे लोगों को बड़ी समस्या से राहत मिली थी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि बादशाहपुर विधानसभा से मुझे एक बार फिर से चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। आचार संहिता हटी, 56 दिन बाद फिर विधानसभा की आचार संहिता लग गई, काम करने का अवसर ही कितना मिला। उन 56 दिन में आदमी अपनी काबिलियत, अपनी सहनशीलता, अपनी हसमुखता, अपनी विवेकशीलता कितनी लोगों को दिखाई इस हरियाणा में। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो मेरे साथ वजीर रहे हैं। 3.5-4 साल मेरे साथ मिनिस्टर रहे, फिर वो 19 में एमपी बन गए, तो उसने मेरे साथ काम किया है और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि उससे अच्छा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिला। आने वाले समय में भाजपा ने घोषणा की है कि आज सरकार बनेगी, नायब सैनी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी सरकार चलेगी।